दोनों हाथ से, दोनों हाथ तक। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। थैंक यू मैम। बाबा विश्वनाथ की नगरी कहे जाने वाली काशी में इस वक्त ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर की जा रही सुनवाई पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। इसी बीच बुधवार शाम बॉलीवुड डीवा कंगना रनौत अपने आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए वाराणसी पहुंची है। यहां उन्होंने गंगा आरती में हिस्सा लिया, साथ ही महादेव की पूजा अर्चना भी की। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद उनसे जब ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि काशी के कण कण में भगवान शिव है। जैसे मथुरा का कण कण में कृष्ण है, जैसे अयोध्या के कण कण में श्री राम है, वैसे काशी के कण कण में महादेव हैं। उनको किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, वो कण कण में है। हर हर महादेव। कंगना ने आरती से पहले वैदिक रीति से माँ गंगा की पूजन कर आशीर्वाद मांगा। बछड़े पर बैठ माँ गंगा की आरती देखी, कभी मोबाइल से वीडियो बनाया तो कभी सेल्फी ली। कंगना और अर्जुन रामपाल को देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ उमड़ी थी। देखिए, मैं अपनी फिल्म मणिकर्णिका के लिए भी यहाँ पे आई थी, मणिकर्णिका घाट पे। और हमारी जो फिल्म धाकड़ है उसका जो हमारा गाना है धाकड़, वो भी जो गाना है वो एक उसका जो हमारा कैरेक्टर है उसका एक पुनर्जन्म होता है, वो हील होके आती है वापस, उसका जो पुनर्जन्म होता है। तो हम ये फिल्म को हमने, हमारे प्रोड्यूसर दीपक मुकुट जी ने, हमारे डायरेक्टर, इन्होंने यही सोचा कि ये मणिकर्णिका घाट पे ही ये गाना हमें लॉन्च करना है, जहाँ पे हमारे किरदार का पुनर्जन्म होता है। तो हम बाबा जी के भी दर्शन लेने आए हुए हैं यहाँ पे। हमारी टीम को 20 मई को, यानी कि परसों फिल्म आ रही है। ये इंडिया की ऐसी पहली एक्शन फिल्म बनी है जिससे पहले ऐसी इस स्तर पे फिल्म नहीं बनी है, तो आप सब देखने जाइएगा 20 मई को। वहीं पहली बार काशी आए अभिनेता अर्जुन रामपाल ने घाटों को निहारा। उन्होंने कहा, काफी समय से मन में काशी आने की इच्छा थी, फिल्म के प्रमोशन ने ये अवसर दे दिया, अब वे बार बार काशी आना चाहेंगे। वहीं अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने कहा कि उन्होंने काशी के बारे में जितना सुना था उसे कई गुना खूबसूरत पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड। दोनों हाथ से, दोनों हाथ तक। हर हर महादेव।